ॐ ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानं जना शलाग चक्षरुमिलितं जेना तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते <coughs> भक्तिवेदांतस्वामि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिण नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम अरे हरे 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 कृष्ण आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरे राम चिंतामणि से राम चिंतामणि के दूसरा अध्याय प्रारंभ कर चुके हैं तो इस दूसरे अध्याय के दस तक चर्चा कर चुके श्री चैतन्य महाप्रभु नामाचार्य दास ठाकुर को प्रेरित करते हैं शुरू में कि आप नाम की महिमा सीमित महिमा को प्रकट करिए क्योंकि आप पूर्ण रूप से योग्य हैं आपका आचरण भी है नाम जप करने में और आप दक्ष भी हैं एक्सपर्ट भी हैं शास्त्र भी जानते हैं इसलिए आप प्रकट करिए और आपके द्वारा नाम की महिमा को सुनने में मुझे सुख मिलता आनंद मिलता है तो इसलिए आप नाम की महिमा को व्यक्त करिए और नाम की महिमा नाम हरि नाम की इतनी कृपा है महिमा है उसको खुद महाप्रभु वर्णन किए कि नाम के आश्रय पे ही निर्भर करता है कि कौन कितना स्तर का वैष्णव है नाम के आधार पे ही वैष्णवता का भी पता चलता है ये महापुरु खुद वर्णन कर रहे हैं लक्षण वैष्णव लक्षण वैष्णव तरह लक्षण और तमा लक्षण बताए वैष्णव का लक्षण क्या है एक नाम यार मुख्य वैष्णव से है तारे ग्रही यत्न करी मानी निश्चय अगर कोई एक नाम भी कृष्ण का लेता है तो वो वैष्णव हो जाता है इतनी विशेष महिमा है नाम की और वैष्णो तर के लक्षण क्या है निरंतर यार मुखे सुनी कृष्ण नाम से, से वैष्णव तर सर्व गुण धाम जो निरंतर कृष्ण के नाम को लेता है वो सेकंड क्लास का डिहटी बन जाता है वैष्णव तरा मोर एग्जॉल्टेड वैष्णव और वो सभी प्रकार के गुणों का नाम होता है वैष्णव उत्तम से यहा कृष्ण नाम से मुखे कृष्ण भक्ति मिले वैष्णवोत्तमा का लक्षण बताए महाप्रभु कि वैष्णव Uh, find, सिंपली दर्शन करने मात्र से किसी के दर्शन से भगवान कृष्ण के नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए नाम लेने लग जाए तो ऐसे वैष्णव को एग्जॉल वैष्णव बोलते हैं या उत्तम वैष्णव बोलते हैं तो <coughs> ये उत्तम वैष्णव का लक्षण होता है कृष्णा नाम कंडीशन सोल्स टेकअप दैंडिंग ऑफ लॉर्ड क्रिस्टन होली नेम वट इज दरेंजमेंट फॉर दैट प्लीज टेल दैट टू मी इसीलिए नाम की महिमा को सुनने के लिए बड़ा तत्वर महाप्रभु बोल रहे हैं कि जिस नाम का आश्रय लेने से कोई वैष्णव वैष्णोत्तर और वैष्णोत्तम बन जाता है और अगर वैष्णव बन गया तो उसका उद्धार आसानी से हो जाता है उसका उद्धार तो कृष्ण आसानी से कर देते हैं तो नाम के बल पे ही वैष्णवता को प्राप्त करता है कोई बद्ध जीवात्मा तो अब ये बद्ध ऐसा कृष्ण नाम जीव ब संसार के बद्ध जीव किस प्र, किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं उसका विधान उसका क्या अरेंजमेंट है वो आप कृपा करके बताओ मुझे हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हरिदास ठाकुर जब इस प्रकार से सुने सुनेु के द्वारा प्रेमा गदरा सचल नायदास ठाकुर ये सुनते ही बड़े विनम्रता पूर्वक दैन्य भाव के हृदय में उमड़ गया और हाथ जोड़ करके और द्वारा इस प्रकार से सम्मान प्रदान किया जा रहा है राज ठाकुर को हरि राज ठाकुर अपने आप को कभी किसी भी प्रकार के सम्मान के योग्य नहीं समझते थे अपने आप को बहुत पवित मानते थे हर जीवात्माओं में सबसे निम्न को टिका मानते थे और यहाँ पे भगवान उनको नामाचार्य की उपाधि दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप योग्य हैं नाम की महिमा असीमित महिमा को प्रकट करने के लिए आप नाम के तत्व को जानते हैं और मैं आपके मुख से सुनने के लिए बड़ा आतुर हूँ जब ऐसे हरिदास ठाकुर सुने ऐसी कृपा को ऐसे प्रेम को महाप्रभु का ये अद्भुत प्रेम है अपने भक्त हरिदास ठाकुर के लिए और उनकी ऐसी कृपा इतना सम्मान सुन करके हरिदास ठाकुर रोक नहीं पाए और भगवान के प्रेम से भी बहुत हाँ होने के कारण उनकी आंखों में सुधारा आ गई और गला जो है अवरुद्ध हो गया प्रेम गदगद स्वर सजल नयन तो गदगद वाणी से ही भगवान की तरफ हाथ जोड़ते हुए विनम्राव से अवरिदास ठाकुर बोलना प्रारंभ कर गए कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्माया य कृष्ण से नाम एक तत्व सबसे पहले कृष्ण नाम की महिमा का वर्णन करने के पूर्व कृष्ण नाम का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं यह तत्व नाम तत्व को प्रकट कर रहे हैं नेचर ऑफ द होली नेम तो कृष्ण तत्व है कृष्ण नाम क्या है यह बता रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज सबसे पहला चीज बताया हरिदास ठाकुर कि यही कृष्ण से नाम एक तत्व लॉर्ड कृष्ण होली नेम तेरू अलग नहीं है यानी कृष्ण के इसीलिए पिछले अध्याय में कृष्ण तत्वों का वर्णन किए हैं और कृष्ण के शक्तियों का वर्णन किया और कृष्ण और कृष्ण शक्ति अभिन्न है और उनका प्रभाव वर्णन किए तो अब अब जब नाम तत्वों का वर्णन कर रहे हैं नाम की महिमा प्रकट करने वाले हैं तो सबसे पहला चीज यही बोले कि कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय लॉर्ड कृष्ण होली नेम इज स्पिरिचुअल चिन, चिन्मय है जैसे कृष्ण कृष्ण का शरीर चिन्मय है उसी प्रकार से कृष्ण का नाम भी चिन्मय है चिन्मय मतलब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है इसमें कोई भौतिकतावाद का आरोपण नहीं है और ये भी अनादि है जैसे भगवान अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारण बोलते हैं ब्रह्म बताया गया ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह भगवान कृष्ण परम ईश्वर हैं उनका विग्रह है, रूप सचिदानंद है चिन्मय शरीर है अनाधिर आदिर गोविंदा वो उनका कोई बिगनिंग नहीं है उनका कोई आदि नहीं है शुरुआत नहीं है सारे कारणों के भी कारण है तो उसी प्रकार से कृष्ण यही कृष्ण से ही नाम एक तत्व है जो कृष्ण है वही कृष्ण का नाम है उसी तो प्रकार से कृष्ण नाम भी सचिदानंद विग्रह है और अनाधिर आदिर हरिनाम नाम अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम सारे कारणों का भी कारण ये भौतिक जगत का कारण भी कृष्ण नाम ही भौतिक जगत भी कृष्ण नाम से प्रकट होता है और कृष्ण नाम से ही भौतिक जगत से छुटकारा मिल सकता है और वास्तविकता में ट्रुथ है सत्य है भागवत में वर्णन किया है कि साउंड वाइब्रेशन हां ओंकार ओंकार जो साउंड शब्द ध्वनि है उससे आ, जो है भौतिक सृष्टि पूरी प्रकट होती है ओम के अंदर ही होती है और ओम क्या है ये हरिकृष्ण महामंत्र का ही एक विस्तार है ये अभिन्न है कृष्ण नाम से अभिन्न है ओम आध्यात्मिक रूप में तो वही कृष्ण नाम से सब कुछ आता है जैसे कृष्ण असंख्य अवतारों के स्रोत है उसी प्रकार से कृष्ण का नाम जो है सारे अवतारों के स्रोत है सारे जितने भी अन्य नाम आते हैं उस कृष्ण नाम से आते हैं इसलिए एक तत्व है ये मुख्य चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि यही कृष्ण से ही नाम एक तत्व है तो इसका अर्थ ये है कि जो लाभ हमको भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन साक्षात संग प्राप्त करके हो सकता है कृष्ण तत्व कृष्ण नाम तत्व एक होने के कारण वही लाभ हमको कृष्ण के नाम का आश्रय लेने से प्राप्त हो सकता है जैसे जो लाभ अर्जुन कृष्ण के संग में प्राप्त किए कृष्ण के संग में रहने से प्राप्त की, आ, अर्जुन प्राप्त किए अर्जुन कॉन्स्टेंटली कृष्ण इतने इतना ज्यादा प्रेम है अर्जुन के प्रति भगवान का पांडवों के प्रति सभी पांडवों के प्रति नारद मुनि युद्ध महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं और युदिषि महाराज तो नारद अपने आप को एक ग्रह से समझते हुए नारद मुनि का आश्रय लेते हैं उनको गुरु स्वीकार करते हैं और उनसे भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं और उनसे इंक्वायर करते हैं जिज्ञासा करते हैं कि हम जैसे जो गृहस्थ जीवन में फंसे हुए हैं उनका उद्धार कैसे होगा हम भगवान के प्रति रति को कैसे विकसित कर सकते हैं तो प्रहलाद महाराज का जब कथा किए नारद मुनि तो प्रहलाद महाराज का इतना परम सौभाग्य को सुन करके युधिषि महाराज प्रश्न पूछने लग गए कि हमको ऐसा कैसे सौभाग्य मिल सकता है तो नारद मुनि बोले कि अरे युदिष्टि महाराज आपका सौभाग्य तो प्रहलाद से ज्यादा है प्रहलाद को जो सौभाग्य मिला वो तो बहुत अद्भुत है उसमें कोई संशय नहीं है लेकिन आपका सौभाग्य प्रहलाद से भी ज्यादा है कि वही नरसिंह देव भगवान के स्रोत कृष्ण कृष्ण ही नरसिंह बन के गए प्रहलाद महाराज को सुरक्षा देने के लिए वही कृष्ण मूल अवतारी जो है आपके साथ चौबीसो घंटे आपके साथ रहते हैं आप पांडवों के वो जो है भाई बन के बैठे भाई बनते हैं मित्र बनते हैं सखा बनते हैं गुरु भी बनते हैं संदेशवाहक बनते हैं सेवक बन जाते हैं क्या क्या नहीं बनते हैं यानी हर चीज आपके लिए यानी आप इतने सौभाग्यशाली तो अर्जुन को स्पेशली uh, जो है सौभाग्य था कि गुरु भी बन गए उपदेश भी दिए चौबीसों घंटे अर्जुन के साथ रहते थे प्रैक्टिकली अर्जुन हमेशा कृष्ण का स्मरण करते थे इसलिए अर्जुन का एक नाम गुणाकेश भी है वन ऑलवेज फ्री फ्रॉम दिस मोड ऑफ इग्नोरेंस अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया अर्जुन ने तमोगुण के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर पाया अर्जुन क्यों रोपाजी तात्पर्य में लिखते हैं पहले अध्याय का यह चौबीस नंबर श्लोक में एवं मुक्त ऋषिकेशा गुड़ाकेश है भारत से मध्य रथम स्थापित उत्तम स्थापित रथोत्तम तो गुणाकेश में वहां पे लिखते हैं कि अर्जुन बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट एसोसिएशन विद सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण अर्जुन कृष्ण के साथ चौबीसों घंटे संग में रहने के कारण अर्जुन जो है तमोगुण तो को पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लिए थे तो इसी प्रकार से जो अर्जुन को सौभाग्य मिला है पांडवों को सौभाग्य मिला है और अन्य विशेष भक्तों को सौभाग्य मिला है हमारे पास भी वो सौभाग्य है मतलब कृष्ण देने को तैयार है भले ही अपने रूप फिजिकल प्रेजेंस में नहीं लेकिन कृष्ण के नाम अपने नाम के रूप में तो क्योंकि नाम तत्व और कृष्ण तत्व एक ही है तो नाम के रूप में भगवान उपस्थित है तैयार है देरी अब समस्या हमारे तरफ से इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब ऐसी महिमा को सुने या जाने इसी महिमा के जब ये महिमा भगवान कृष्ण की प्रकट हुई नाम की महिमा कि कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है तो महाप्रभु बड़े जो है दैन्य पूर्वक वो श्लोक बोलते हैं दूसरा श्लोक चैतन्य शिक्षा का नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रर्पिता नियमित स्मरण काला एतार्थसी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृशमिहा जनिना नुरागः ये भगवान आप अपने आप अने को अनेकों अनेकों नाम के रूप में प्रकट करने को तैयार हैं यानी आप खुद नाम के रूप में आने के लिए तैयार हैं इतना आपने हमारे ऊपर एतार्दसी कृपा एतार्दसी तव कृपा इतनी अद्भुत कृपा आप कर रहे हैं लेकिन दुर्दैव मेरा मिसफॉर्च्यून है दुर्भाग्य है कि ये घंटे आप तैयार हैं मेरे साथ रहने के लिए मुझे अपना संग देने के लिए मेरा उद्धार करने के लिए लेकिन दुर्दैव मिसफर्च्यून माय ग्रेट मिसफर्च्यून कि मुझे आपके नाम में कोई रुचि नहीं मतलब आप में कोई रुचि नहीं उत्पन्न हुई ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है और यही दुर्भाग्य के बारे में जब विचार करते हुए महाप्रभु बड़े दयनीय भाव को महसूस करते हैं और फिर तीसरा श्लोक बोलते हैं तृणादपी सुनीचे न तरोरी वासहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि फिर इसी दैन्य भाव को और भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं तो विचार करते हैं कि अगर भगवान आप तैयार हैं हमेशा चौबीसों घंटे मेरे जीवा में उपस्थित होने के लिए नाम के रूप में आप कृपा करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे अब इस संसार का और क्या चाहिए न धनम न जनम न सुंदरिम कविता व जगदीश काम जनमनी जनमनी ईश्वरे भगवता भक्ति रहे तुकी त्वी इसलिए हे भगवान हालांकि मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे आपके नाम में जरा भी रुचि उत्पन्न नहीं हुई है लेकिन फिर भी आप बड़ा कृपा करना चाहते हैं दया करके आप नाम के रूप में हमेशा प्रकट होने के लिए तैयार हैं इसलिए मेरे यही प्रार्थना है आपसे कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए संसार का ना धन न जन न सुंदरिम न फॉलोवर मैं बस यही आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा मुझे आपकी सेवा में लगा के रखिए भले ही मेरा दुर्भाग्य होने के कारण मुझे अभी आपके प्रति रुचि नहीं है लेकिन आप कृपा करना बंद मत करिएगा आप सेवा में लगा के रखिए है ना? क्योंकि मैं पतित हो गया हूं, इसलिए मेरे को रुचि नहीं उत्पन्न हो पा रही अभी आई नंद तनुज किंकर धूलि सदृशम विचित इसलिए हे नंद तनुज हे कृष्ण हे नंद बाबा के पुत्र आप मेरे ऊपर कृपा करते रहिएगा पतितम आई नंद तनुजा किंग करम ऑल दो आई एम योर इटर्नल सर्वेंट मैं आपका नित्य सनातन दास हूं लेकिन मैं भूल चुका हूं मुझे आपके चरण कमल की सेवा करने में कोई रुचि नहीं है और इस प्रकार से पतितम भवसागरे मैं इस भौतिक सागर भव में पतितम का अर्थ होता है कि विषय वस्तुओं को एंजॉयमेंट uh, करने के चक्कर में मैं फंस चुका हूँ और इसके कारण आपके चरण कमलों का सेवा करने में मुझे रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है लेकिन हूं तो मैं आपका सनातन दास इसलिए आप कृपा करना मत बंद करिएगा मेरी यही प्रार्थना है आप आपके चरण कमलों में मुझे एक डस्ट पार्टिकल की तरह हमेशा लगा के रखिए हाँ तो निश्चित रूप में आपकी ऐसी कृपा अगर होगी तो धीरे धीरे मैं शुद्ध हो जाऊंगा और फिर एक समय आएगा नया नम गल दुधार वचनम तो गुदया गिरा प्रार्थना करते हैं कि मुझे बस यही इच्छा है हालांकि मेरे को अभी आसक्ति नहीं है आपके नाम में रुचि नहीं है मैं भव सागर में गिरा हुआ हूँ पतित हूँ लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि कब वो दिन आएगा कब वो समय आएगा कि आंखों से सुधारा बहेगी और आपके स्मरण आपके सेवा करने में मैं इतना तीव्रता से संलग्न हो जाऊंगा और फिर इस प्रकार से फाइनली महाप्रभु प्रकट करते इस भाव को क्योंकि ये ये जो चैतन अष्ट श्लोक है ये अगर कोई अच्छे से समझेगा और इस भाव को जैसे श्री चैतन महाप्रभु एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते वक्त जस्ट प्रवचन नहीं दे रहे थे ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय को ये श्लोक बोल रहे थे अंत लीला में आता है आखिरी अध्याय है चैतन चैत्यमृत का लीला का बहुत सुंदर वहां पर कविराज वर्णन करते हैं महापुरु एक्चुअली फील कर रहे हैं अनुभव कर रहे हैं नाम की महिमा को जब कोई भक्त है, इस स्टेज में शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंचता है, की महिमा उसके में प्रकट होती है कि ये ही कृष्ण से ही नाम एक तत्व है ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सोचिए ये श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ इसलिए केवल उन वैष्णवों के लिए है उन व्यक्ति उन भक्तों के लिए है जो शुद्ध नाम की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो नेचर ऑफ द होली नेम नामेर स्वरूप वर्णन कर रहे हैं नाम महिमा अब यहाँ से चालू कर रहे हैं हरिदास है ठाकुर और पहले ही प्यार में जो चीज बोल रहे हैं जो नाम तत्व को महिमा को प्रकट कर रहे हैं दैट इज द ऑफ अ प्योर डिवोटी जो प्योर जो शुद्ध भक्त होता है जो शुद्ध नाम जब करता है वो इस स्थिति में रहता है वो ये इस बात को साक्षात्कार करता है कि कृष्ण से नाम ए एक तत्व है यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं हरिदास है ठाकुर कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय यही कृष्ण से ही नाम एक तत्व है कृष्ण नाम चिंतामणि है चिंतामणि का अर्थ होता है कि जिस इसके संपर्क में आने से आध्यात्मिक है और चिंतामणि के संपर्क में आने से जो कोई वस्तु होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बदल जाता है तो चिंतामणि टच स्टोन की तरह बोल सकते हैं टच स्टोन लेकिन जो भौतिक जगत में भी टच स्टोन होता है अभी पृथ्वी में तो नहीं है ढूंढने का प्रयास मत करिएगा किसी स्वर्ग इत्यादि लोक में पड़ा होगा पारस पत्थर पारस मणि भी जिसको बोलते हैं टच स्टोन तो वो तो क्या करता है कि लोहे को सोना बनाता है टच करने पे है ना? लेकिन कृष्ण नाम ऐसा चिंतामणि है, है टच स्टोन है टच चिंतामणि जूल है जो कि आ, जो पत्थर से भी ज्यादा कठोर हृदय है पत्थर से भी ज्यादा कठोर हृदय है जिसमें किसी भी प्रकार का कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है पूरी तरह से सुप्त अवस्था में है ऐसे हृदय में प्रवेश करके टच करके उसमें कृष्ण के प्रति शुद्ध दिव्य चेतना को विकसित कर देता है प्रेम को विकसित कर देता है यानी भौतिक से आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन करता है जो मटेरियल टच सोना भौतिक चिंतामणि पत्थर है वो तो भौतिक वस्तु को भौतिक ही बनाता है लोहे को सोना बनाता है लेकिन वो लोहा तो सोना भौतिक से भौतिक ही हुआ लेकिन कृष्ण आम ऐसा चिंतामणि है जो कि हृदय को भौतिक हृदय को आध्यात्मिक बना देता है कृष्ण प्रेम उत्पन्न कर देता है इसीलिए सनातन गोस्वामी के पास जब वो ब्राह्मण गए थे शिव जी का आराधना किए बड़ा और ये सोच करके कि कुछ धन संपत्ति चाहिए सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए तो शिव जी बोले जाओ ब्रज में एक बाबा बैठा है उसके पास इस दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु उससे मिल जाएगा उसके पास चिंतामणि है कौन बाबा सनातन गोस्वामी शिव जी प्रकट होकर के उस ब्राह्मण को बोलते हैं तो दौड़ दौड़ के आया ब्रज में पूछते पूछते कौन है सनातन गोस्वामी बाबा कौन है तो बताया लोग एड्रेस वहां पे बैठे हैं जाओ उनका खुद का कुछ तो एड्रेस है नहीं तो अलग अलग पेड़ वृक्ष के नीचे होते हैं तो उधर आप देखो मिल सकते हैं तो गए तो पता चला कि सनातन गोस्वामी के पास आए बोले ऐसा ऐसा हुआ है भगवान शिव ने आपके पास भेजा है आपके पास कोई चिंतामणि है तो, तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि इसको तो बहुत ही चिंतामढ़ी पत्थर चाहिए तो वहीं पास में ही कूड़ा करकर था तो बोले उधर है जाकर निकाल लो उधर पड़ा हुआ है चिंतामणि पत्थर तो खुश हो गया ब्राह्मण गया देखा मिल गया चिंतामणि पत्थर और टेस्ट करके देखा लोहे अरे वाह लोहे को सोना बना देता है तो लेके आ गया घर और जब घर आ रहा था लेकिन क्योंकि ब्राह्मण था थोड़ा तो शुद्ध बुद्धि था ही तो विचार करने लग गया आते आते कि अगर ये चिंतामणि शिवजी बोले कि सबसे बड़ा जो धन है सनातन गोस्वामी के पास है बाबा जी के पास है उनके पास चले जाओ तो अगर ये वास्तविक रूप में इनका सबसे बड़ा धन है तो इसको कूड़े करकट में क्यों डाल के रखे हैं यानी इससे भी कुछ श्रेष्ठ धन होगा जो अपने तिजोरी में डाल के रखे होंगे तो मैं जाके पूछता हूं मुझे लगता है लूट लिया उन्होंने असली असली चिंतामणि न दे करके ये दे दिया तो गया वापस से दौड़ दौड़ के और फिर पूछा कि आपके पास ये अगर यही ये सबसे बड़ा धन है तो इसको पूरे करकट में आप क्यों डाल के रखे तो सनातन गोस्वामी बोले ये तो सबसे तुच्छ धन है असली धन तो तुमने मांगा ही नहीं तुमको ये चाहिए था इसलिए बोले नहीं नहीं मुझे असली धन चाहिए असली चिंतामणि चाहिए बोले उसके लिए पहले काम करना पड़ेगा इस चिंतामणि पत्थर को यमुना में जाके फेंक दो श्रद्धा टेस्ट कर रहे थे सनातन गोस्वामी लेकिन उसको ब्राह्मण को श्रद्धा थी शिवजी भी कन्फर्म किए थे श्रद्धा तो थी तो वो जाके फेंक दिया तब सनातन बैठा करके माला देते हैं दीक्षा देते हैं बोलते ये लो है ना इसमें माला जप करो भगवान के नाम का बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ये है असली चिंतामणि जो पहले तुम चिंतामणि लेके गए थे वो तो लोहे को बस सोना बनाएगा लेकिन ये असली असली चिंतामणि है ये तुम्हारे भौतिक हृदय को आध्यात्मिक बना देगा कृष्ण के प्रति जो दिव्य प्रेम है जो डायमंड से भी ज्यादा बहुमूल्य है हाँ, हीरे से भी ज्यादा बहुमूल्य है उसमें परिवर्तित कर देगा खुश हो जाओ तो बहुत खुश हो गया फिर वो नाम जब चालू किया सनातन गोस्वामी की कृपा से शुद्ध वैष्णव बन गया चिंतामणि का वास्तविक हरिणाम चिंतामणि उसको मिल गई इसलिए इस ग्रंथ का नाम भी भक्त ठाकुर रखे हैं ये पहले नाम महिमा पे जो पहला प्यार है इसी के बेसिस पे ठाकुर नाम रखते हैं इसका श्री, श्री हरिनाम चिंतामणि हरिनाम जो है वास्तविक चिंतामणि है जो को आध्यात्मिक में परिवर्तित कर सकता है भौतिक हृदय जिसको कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है उसको अगर स्पर्श करने मात्र से एक स्पर्श करने मात्र से कृष्ण के प्रति ना जो ये नाम है चिंतामणि ये ट्रांसफॉर्म करके जो है प्रेम विकसित कर देता है लेकिन वो एक स्पर्श होना चाहिए हरिनाम वो एक हरिनाम स्पर्श मतलब वास्तविक हरिनाम हृदय में जाना चाहिए जिसको शुद्ध नाम बोलते हैं हैं और कभी कभी वो प्रवेश होता है है तो हम एक्सपीरियंस भी करते यस इस भौतिक संसार में कुछ नहीं रखा है। जब विरक्ति आती है जो इस प्रकार का रहता है भावना कभी कभी केवल कृष्ण ही सब कुछ है तो उसका एक ग्लिम्स है एक झलक है लेकिन पूरी तरह से शुद्ध ना होने के कारण वापस से हम फंस जाते हैं लेकिन अगर निरंतर कृष्ण नाम का आश्रय लेंगे उनकी महिमा को समझते हुए धीरे धीरे हम प्रगति कर सकते हैं ठीक है तो इसे ये अभी प्रारंभ किए हैं पे हरिदास है ठाकुर कल हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 यस योगेश हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी जैसे आपने बता दिया अभी कथा में बट uh, जैसे अभी ये जो भौतिक जीवन है इसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अमाप धन संपत्ति है फिर भी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सचे रहते हैं एंड उनके चेहरे पे कुछ अलग दिखता है और मन में कुछ अलग रहता है और हृदय में कुछ अलग रहता है बट यही हम अपोजिट चेक करते हैं जैसे हम टेंपल में आते हैं तो उधर जो डीओटीज है तो उनके पास तो कोई धन संपत्ति है ही नहीं जो भौतिक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस लोग देते हैं जिसको फिर भी उनके चेहरे पे जो जो शाइन दिखता दिखता है और जो दिखता है और हैप्पीनेस वो देखने के बाद भी हम क्यों नहीं समझ पाते कि हमको ये सब छोड़ना चाहिए हमको आध्यात्मिक में जाना चाहिए और ये बार 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 ये भौतिक चीजें क्यों परेशान कर करके हरे कृष्ण ओके तो उनको देखने के बाद भी हम नहीं समझ पाते हैं इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन होगा थोड़ा सा हृदय को दुख पहुंचा सकता है लेकिन अगर आप याज्ञा देंगे तो मैं बोल सकता हूँ प्रभु जी आप आप हमारे गुरु है अगर सच बोले तो मैं भी ऐसी स्थिति में हूँ दे, मैं देखता हूँ डेली कितने ऐसे महान भक्त हैं लेकिन और इतना अच्छा भगवान की सेवा करके समर्पण करके इतने दिव्य स्थिति को प्राप्त करते हैं फिर भी मैं उधर आकर्षित क्यों नहीं होता हूँ बार बार मैं फिर भी वही भौतिक जीवन खाना पीना सोना इसी में क्यों फंसा रहता हूँ तो इसका कारण है कि हम बहुत ढीठ हैं ढीठ है, है। प्रोपात जी बताते हैं वी 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 आर 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 नॉट टू मटेरियल वेरी तो ये ढीठ होने के कारण मतलब इसका ये है कि इसलिए प्रोपात जी बार लेक्चर में हमको जोर दे समझाते हैं कि आप शरीर नहीं आप आत्मा हो केवल शरीर बस के लिए क्यों कार्य करते रहते हो अपना ज्यादातर समय शरीर के लिए मत दो आत्मा के लिए अपने लिए दो अपने लिए, लिए कार्य दो वैसे भी ना चाहते हुए भी देर इज रिक्वायर्ड वेस्ट ऑफ टाइम मतलब होता है कि कुछ तो हमको इस शरीर के लिए वेस्ट समय देना ही पड़ेगा वो वेस्ट ही है वास्तव में लेकिन रिक्वायर्ड है वो हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हम अभी उस स्थिति में नहीं है जैसे सोना है छह सात घंटे तो सोना है चौबीस घंटे में फिर दो तीन घंटे हमको खाना पीना देना है और जो लोग घर गृहस्थी में तो उनको आठ सात आठ घंटे जॉब देना पड़ता है तो सोचिए ऑलरेडी रिक्वायर्ड वेस्ट ऑफ टाइम हम दे रहे हैं आ, एक ब्रह्मचारी भी है सन्यासी भी है तो उनको भी कम से कम सात आठ घंटे देना पड़ जाता है तो कम से कम जो बचा सोलह घंटे उसको हमको पूरी तरह से कृष्ण के लिए लगाना चाहिए आत्मा के लिए करना चाहिए और जो घर गृहस्थी में है तो उनको तो सोलह सत्रह अठारह घंटे देना ही पड़ जाता है सर यह सोना खाना पिनाना सुनाना और जॉब धंधा करना तो जो भी बचता है फिर चार पाँच छह घंटे जो बचता है न, उसको बड़े केयरफुली केवल कृष्ण के लिए लगाना चाहिए कृष्ण का के बारे में सुनना चाहिए कृष्ण का नाम जब करना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए लगाना चाहिए और बाकी जो समय हमको हमको भी देना पड़ रहा है है रिक्वायर्ड वेस्ट ऑफ़ टाइम तो उसका फल कृष्ण सेवा में अर्पण करने का प्रयास करना चाहिए हम धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं तो ये एक प्रोसेस है ग्रेजुअली होता है कलयुग के लक्षण कलयुग में होने के कारण मंदा सुमंद मंद, मंद भाग्य उपद्रिता ये लक्षण है हम सबके अंदर इसलिए हमको बहुत विनम्र हो जाना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए कि yes, ये मैं बहुत ही बहुत ही पतित अवस्था में हूँ और हमको शिला प्रभुपात जी जैसे महान आचार्यों का आश्रय तीव्रता से लेना चाहिए उनकी शिक्षाओं को बार सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए पढ़ना और अपनी तरफ से बेस्ट हम प्रयास करेंगे तो अगर सिंसियरिटी रहेगी तो निश्चित रूप में भगवान की कृपा से हम जो है सीरियस और गंभीर हो पाएंगे भगवान का आश्रय लेने के लिए और आगे बढ़ पाएंगे ठीक है ओके हरे कृष्ण आप हमको डायरेक्टली फीडबैक दे सकते हैं आप तो हमारे गुरु हैं हमको आप जितना ज्यादा बताओगे उतना सुधरने में थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा ओके okay, वो मैं अपने लिए भी बोलता हूँ जो फैक्ट है मेरे लिए भी है यस जानवी माता जी अरे कृष्ण जी मैं ये पूछ रही हूँ जैसे आप लोग भी हैं हर हर कर्म को कृष्ण जी को समर्पित करके मतलब करने का भक्ति योग को बोलते हैं तो किस तरह से याद रखा जाए जैसे इतना तो आगे है कि फोन पे हरे कृष्णा मिलते समय हरे कृष्णा लेकिन बाकी के बहुत सारे भौतिक काम होते हैं जिनमें हम भूल जाते हैं तो किस तरह से याद रखने की कोशिश करना चाहिए इसीलिए बारम इसीलिए बारंबार बारं श्रवण करने से ये हो सकता है जितना हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे जितना हम महिमा जानेंगे उतना हमको प्रेरणा मिलेगा कि हमको करना है हमेशा याद रखना है और भगवान को प्रार्थना करना चाहिए भगवान को हम अगर इच्छा रख के भगवान को प्रार्थना करेंगे तो भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में भगवान मदद करेंगे कि हम ताकि उनको कभी ना भूलें तो ये दो कार्य करते जाइए भक्तों 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 के 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 द्वारा द्वारा संग में जब हम जितनी मात्रा में कृष्ण कथा कृष्ण का सुनते हैं कृष्ण के बारे में उतना हमको याददास बना रहेगा कृष्ण ही जीवन के अंतिम लक्ष्य है और प्लस कृष्ण को हम प्रार्थना करते रहेंगे तो हो जाएगा सब यस जयेश हरे कृष्ण प्रभु जी श्री प्रभु प्रभु जी मुझे एक डाउट था प्रभु जी अभी जैसे हम बोलते हैं कि कलयुग जैसे युग आगे बढ़ते गए भगवान ने उतना इजी कर दिया हमें उनके पास जाने का वे जैसे कि yes. अभी ये युग में सिर्फ हरि नाम भी लेते हम तो हम सीधा भगवान के द्वार वैकुंठ पूछते अगर खरे और करे और श्रद्धा से करें तो प्रभु जी मेरा ये सवाल था आपको कि जो पहले के युग थे तभी बहुत ज्यादा तप करना पड़ता था बहुत ज्यादा लोग सन्यास के लिए जाते थे yes. so, so प्रभु जी ये जो चक्र में हमें जो कलयुग में, में मेरे, मेरे लिए तो बोलूंगा मतलब मैं बहुत उस हिसाब से तुच्छ और पापी मनुष्य हूँ जो मुझे कलयुग में ये मिला जन्म मिला बट आ, क्या वो सही है या गलत है मतलब मैंने बहुत पहले गलत कर्म किए उसके वजह से मुझे कलयुग में जन्म मिला कि कुछ ओके okay. okay. तो बेस्ट बेस्ट चीज है कि हम आ, कि पास्ट में किस कारण से क्यों हम कलयुग में आ गए जन्म मिल लिया और पिछले कर्मों के कारण हम कैसे का, पिछले जन्म में पिछले पिछले जीवन में भी इस जीवन में भी भक्ति से जुड़ने पहले हमने क्या क्या किया उसको उसको ज्यादा ध्यान में नहीं रखना चाहिए उसको भूल जाना चाहिए अब आपको पता चल गया है कि क्या रास्ता है क्या करना चाहिए तो अब आगे बढ़ने के लिए हमको सीरियस हो जाना चाहिए गंभीर हो जाना चाहिए अब कोई मिस्टेक नहीं करना चाहिए तो निश्चित रूप में भगवान बहुत दयालु हैं और भगवान हमारे पास्ट पूरा जो है भूलने के लिए तैयार है माफ करने के लिए तैयार है और हमको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है ठीक है तो डोंट वरी अबाउट द पास्ट जस्ट फोकस ऑन फ्यूचर फ्यूचर डोंट कमिट एनी मिस्टेक जस्ट गो ऑन टेकिंग शेल्टर ऑफ क्रिश्स लोटस फीट ओके हरे कृष्ण लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं समय हो गया वैसे श्यामा माता जी मोताजी हरे कृष्ण आपने अभी बताया था कि एक नाम लेने से वैष्णव हो जाता है कोई भी तो वो शुद्ध नाम की बात की जा रही है क्या ऐसा महाप्रो वर्णन नहीं चाहिए वहां पे शुद्ध नाम कोई भी नाम अगर कोई भी लेता है तो वैष्णव कहलाता है वो लेकिन थर्ड क्लास जी की कैटेगरी में आता है दैट वो तैयार हो चुका है मतलब क्योंकि कृष्ण के नाम पर श्रद्धा है तभी तो नाम ले रहे हैं और फिर धीरे धीरे निरंतर जब कृष्ण नाम लेता है तो उसको नामाभास बोला जाता है तो वो जो है वो सेकंड क्लास कहलाता है और शुद्ध नाम जो लेता है तो वो उसका नाम सुनकर करके अन्य लोग भी प्रेरित होकर के नाम जप करने लग जाते हैं तो उसको शुद्ध वैष्णव बोलते हैं तो शुद्ध नाम एक्चुअली उत्तम अधिकारी भक्त लेते हैं लेकिन जो एक नाम थर्ड क्लास जीवोटी जो लेता है वो नाम ही होता है मोस्टली नाम या है नामाभास लेकिन उसको भी वैष्णव माना जाता है क्योंकि उसको कृष्ण के नाम में श्रद्धा है कृष्ण का आश्रय लेने का वो तो संकल्प ले चुका रहता है इवन कोई फोर राउंड्स भी करता है तो वो वैष्णव यस यस है यस यस राउंड्स क्या एक नाम भगवान बोल रहे हैं एक नाम अगर कोई लेता है आपको अगर मिलके कोई बोल दिया हरे कृष्णा यानी वो वैष्णव है लेकिन

तो कई भगवान से प्रार्थना करते मुझे कलयुग में जन्म मिले क्यों जन्म मिले कि कलयुग बहुत ईजी है भगवान का नाम लेकर उद्धार हो जाता है तो में ध्यान यज्ञ पूजा अलग अलग विधि तो तो दोबर में तो मेरा प्रश्न ये आसान तो है लेकिन कठिन भी है कठिन लोगों के लिए तो माया देवी और कलयुग महाराज जितना परीक्षा लेते भौतम में लिखा है सर्वसाधन बाधा का हो मतलब सारे साधनों बाधा मिलती है इजी तो है नाम लेना बट माया देवी और कलयुग महाराज ये दोनों बहुत खतरनाक भी हैं ये भी अपना काम करते हैं है कि नहीं ये सही बात है ये सही बात है बिल्कुल सही बात तो कलयुग में तरीका बड़ा सरल है लेकिन कठिन यही है कि ये सरल तरीका करने के लिए हमको जो है समय नहीं देने देता है समय हमारा कहीं और लगा देता है कलयुग महाराज और माया देवी तो इसलिए जो भक्त किसी वैष्णव के आश्रय में रह करके मार्गदर्शन में रह करके जब भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं तो वो फिर माया और कली के प्रभाव से मुक्त होकर के अपना समय अपना एनर्जी जो है देते हैं भगवान के सेवा के लिए भगवान के नाम जप के लिए तो वो फिर प्रगति कर लेते हैं और हो जाते हैं तो ये उपाय भी है हालांकि कठिनाई है लेकिन उपाय है सरल उपाय है ये सर्वोत्तम उपाय महापुरुष को कन्फर्म शास्त्र का एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है इसके माध्यम से हम पार जा सकते हैं okay. इम्पैक्ट एक प्रश्न इससे रिलेटेड है इसी के अंदर डीप इंपैक्ट प्रश्न है, तो है। सॉरी मेरा थोड़ा फोन आ गया था इंपैक्ट एक प्रश्न और इसी रिलेटेड है हमने सुना है कि जैसे कथे कल्यू बढ़ता जाके उससे जाए कलु का प्रभाव बढ़ता जाए हम लोग देख भी रहे हैं कितना कलु का प्रभाव बढ़ रहा है बट ये भी साथ में सुना है कि भगवान की कृपा भी बढ़ती जा रही है जैसे नाम आ गए नाम महाराज आ गए इसको हर नाम प्रभु भी कहते हैं भगवान की कृपा भी तो बढ़ती ही जाएगी ना जो जितने कठिनाई में भगवान का नाम लेगा उसको भगवान दयालु कृपा जी भी कहते हैं जो जो yes. कठिन परिस्थिति भगवान का मिलते हैं उतना भगवान की कृपा दया भी तो मिलती है हाँ सही बात है इसलिए तो भगवान अपना सबसे औदार्य रूप लेकर आए ना श्री चैतन्य महाप्रु के रूप में तो इसलिए भगवान भी कठिन औषधि में कठिन कठिन जब रोग होता है कठिन औषधि देते हैं भक्ति ठाकुर नवदीप धाम आत्मा में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण विचार कर रहे थे कि बाकी सारे तीर्थ साधन सब विफल हो जाएगा इस कलयुग में तो मुझे जो है अपना सबसे औदार्य रूप और सबसे शक्तिशाली औजार हथियार लेकर प्रकट होना पड़ेगा तभी इस कलयुग के जीवात्माओं का उद्धार होगा और सबसे औदार्य रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु का और सबसे पावरफुल हथियार है हरिनाम ये दो चीज लेकर के महाप्रभु प्रकट हुए जो भी इसका आश्रय लेगा तो निश्चित रूप में जो है मुक्त हो सकता है मतलब Okay. I think